बाद सरयू राय जी की ओर से फिर से रामाचा पूजा का आयोजन किया गया है। बीच में दो साल कोविड काल की वजह से इसका आयोजन नहीं हुआ था। रामाचा पूजा का सबको इंतजार रहता है क्योंकि इसकी सबसे बड़ी खासियत है हाथी कानपुरी का प्रसाद। ये हाथी कानपुरी क्या आपको हम दिखाते हैं, देखिए आरा और बक्सर से जो कारीगर आए हैं खास तौर पे वो इसको बनाते हैं। देखिए वहाँ बेल रहे हैं और ये तुरंत इसको कढ़ाई में डालेंगे। छानने के लिए अलग कारीगर बैठे हैं। देखने में ये आसान लगता है पर ये इतना आसान नहीं होता है। चूँकि ये हाथी के कान की तरह दिखता है इसलिए इसको हाथी कानपुरी कहते हैं। और लगातार जो है हाथी कानपुरी का जो प्रसाद है वो तैयार हो रहा है, छना रहा है, लोग रख रहे हैं, बेला जा रहा है। क्या इसकी खासियत होती है, कैसे ये बनता है, क्यों आरा और बक्सर के लोग ही इसको बनाते हैं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे जो मुख्य कारीगर हैं। फिलहाल आप देखिए कि किस तरह से जो है छान कर रखा जा रहा है। और इसका पूरा एक पहाड़ भी तैयार है, वो भी आपको हम दिखाते हैं दूर से। ये इतनी सारी पूरियाँ बनकर तैयार है जो प्रसाद के लिए वितरित की जा रही हैं, वो लगातार जो है वितरण में जा रही हैं और ये बनती जा रही है। ये सिलसिला 12 बजे रात से शुरू हुआ है और आज रात 12 बजे रात तक ये सिलसिला चलता रहेगा, ये प्रसाद वितरण चलता रहेगा। तो आरा और बक्सर के जो कारीगर हैं वो इसको बनाते हैं। हमारे साथ जो है वीरेंद्र जी हैं जो आरा के शाहपुर से आए हैं, इनसे हम बात करते हैं। यही मुख्य कारीगर है, इनके नेतृत्व में ये बनाया जा रहा है। इसके बारे में पूछते हैं क्या कि ये पूरी है, क्या कैसे बनती है। ये हाथी कान पूरी के बारे में बताइए, कैसे इसका जो आटा होता है उसमें क्या खासियत होती है, क्या कुछ है? आटा दही तेल पानी मिलाकर सानते हैं और पूरी ये 10 दिन तक ले खराब नहीं होगा। 10 दिन तक खराब नहीं ना, 10 दिन तक ही खराब नहीं होगा। जमशेदपुर आते हैं और कहाँ कहाँ जाते हैं? दार्जिलिंग जाते हैं, राजगीर जाते हैं, इलाहाबाद, कलकत्ता, इतना अभी मैंने हम गए हैं। इसको हाथी कान पूरी क्यों बोलते हैं, क्या वो कान जैसा दिखता है इसलिए? आरा जिला, बक्सर जिला और ये शुरू से बनता है कि अपना उधर लोग खाता है तो छोटा पूरी से पेट नहीं भरता, इसीलिए बड़ा बड़ा पूरी बनता है तो हाथी कान का नाम से चलता है। देखने में बहुत आसान लगता है लेकिन जब बनाते हैं लोग तो पता चलता है इतना आसान नहीं है। इसलिए आप लोगों का इतना महत्व है कि आपको ही लोगों को खोजना पड़ता है, नहीं तो ये पूरी नहीं बन पाती है, ऐसा है। भोजपुर जिला, आरा जिला में ये कारीगर मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। देखिए ये कारीगर है जो शाहपुर से खासतौर पर आए वीरेंद्र जी, इनके नेतृत्व में ये पूरी जो हाथ कानपुरी यहाँ बनाई जा रही है, रामाचा पूजा जो सरयू राय जी की आवाज़ पे हो रहा है। और ये जो पूरी है इतना आसान नहीं है, ये देखने से लगती है लेकिन आसान नहीं है। और ख़ास तौर पे आरा बक्सर में ही इसके कारीगर मिलते हैं और समय समय पर अन्य शहरों में जमशेदपुर के अलावा जैसा जैसा ऑर्डर मिलता है वो जाते हैं और यही उस क्षेत्र की खासियत है। सहयोगी बबलू के साथ अन्य अमृता, शार भारत के लिए।